नमस्कार, मैं हूं रवि। आइए जानते क्या नया हो रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। यूयू हनी सिंह की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री टीजर जब से सामने आई है वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। जाने माने रैपर और सिंगर की जिंदगी पर बनने वाली डॉक्यूमेंट्री जल्द OTT पर स्ट्रीम की जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री में हनी सिंह की सक्सेस की कहानी को दिखाया जाएगा, साथ ही उनकी जिंदगी में कई राज इस डॉक्यूमेंट्री में खुलने वाले हैं। आइए जानते हैं कि हनी सिंह की जिंदगी में कई राज खुलने वाली इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में, इसमें और क्या खास देखने को मिल सकता है। यूयू हनी सिंह की जिंदगी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। हनी सिंह के गानों की दुनिया दीवानी है। इसमें हनी सिंह की जिंदगी के कई अहम राज से पर्दा उठाया जाएगा। सामने आए टीजर में भारी भीड़ है, स्टेज है, माइक है और वो सब कुछ नजर आ रहा है जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया है। वीडियो में कुछ लाइन भी लिखी है जो हनी सिंह की कही हुई बातें हैं। इस क्लिप पर लिखा नजर आ रहा है कि ये जीवन मुझे भगवान ने दिया है, इसमें गहराइयां भी हैं जो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाती है। दुनिया को भी मैंने इस कहानी सुनाई है, बुरी आदतें भी मैंने छोड़ दी हैं और अब ये मत कहना कि हनी जो वो मैं खुद नहीं हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है यू यू हनी सिंह पर। बन रही डॉक्यूमेंट्री कोई और नहीं बल्कि मुझे सिंह लेकर आ रहे हैं। डायरेक्टर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि तैयार हो जाइए अपनी फेवरेट देसी कलाकार को आपको हिप्नोटाइज करने के लिए। यू यू हनी सिंह की डॉक्यूमेंट्री जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आ रही है। अपनी इस पहली डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करते हुए मोजेस ने कहा है कि मेरी पहली डॉक्यू फिल्म है जिसमें हनी सिंह के अनोखे जीवन की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है और मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ। हाल ही में हनी सिंह अपनी पत्नी शालिनी तलवार से अलग हुए हैं। बीते दिनों वो इसी विवाद को लेकर भी सुर्खियों में छाए हुए थे। उन्होंने साल 2011 में शालिनी से शादी की थी लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई। शालिनी ने पति हनी सिंह पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सिंगर ने इन आरोपों को बेसलेस बताया और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फिलहाल हनी सिंह अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।